बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ अ प्लाज्मा। इन दिस लेक्चर वी शैल सी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक constant on plasma, what would happen if dielectric constant has less value, and what will happen if it has a very large value. After studying this topic we shall come to conclusion. So let's start studying what does dielectric constant affect plasma. We know that a fluctuating electric field gives rise to polarization current density Jp. So Jp is equal to rho by b square dE by dt. This is polarization current density, which is equal to rho by b square dE by dt. Also, by equation of continuity, partial sigma p by partial t plus del dot j p is equal to zero. This equation of continuity is our equation number one, suppose. Since we have an explicit expression for Jp, Jp is current density here. So current density के लिए तुम्हारे पास एक वाज़े expression मौजूद है जो हमने पीछे पढ़ा, जे पी इज इक्वल टू रो बाई बी स्क्वायर डी ई बाई डी टी। ओके, रो बाई बी स्क्वायर, स्टार्ट में हमने ये बात कही थी कि जे पी इज इक्वल रो बाई बी स्क्वायर डी ई बाई डी टी, इसको हम ई डॉट भी कह सकते हैं। तो ये तो हमारे पास करंट डेंसिटी के लिए तो एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास वाजी मौजूद है, लेकिन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए हमारे पास सिग्मा पी के लिए हमारे पास कोई वाजी एक्सप्रेशन मौजूद नहीं है। देन बाय मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन आप जानते हैं, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू जे एफ प्लस जे पी प्लस ई एप्सिलॉन नॉट ई डॉट या पार्शियल ई बाय पार्शियल टी या डी ई बाय डी टी इसको कहते हैं। ये चीज, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर टू, ये मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन है। इसमें आप जानते हैं ये जो जे एफ है, जे एफ इज द फ्री चार्ज डेंसिटी। ओके, वी विश टू राइट दिस इक्वेशन इन सिंपल फॉर्म। पीछे हमने जो क्लासिकल ट्रीटमेंट ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स या क्लासिकल ट्रीटमेंट ऑफ डायलैक्ट्रिक्स पढ़ा था, उसके अंदर भी हम ऐसा ही करते थे। सो इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, तो ये आ जाएगा डेल क्रॉस बी इज इक्वल म्यू नॉट इन टू जे एफ प्लस एप्सिलॉन ई डॉट। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर थ्री, और दिस कैन बी डन इफ वी लेट एप्सिलॉन जो है, ये एप्सिलॉन ये किसके इक्वल है, एप्सिलॉन नॉट प्लस जे पी बाई ई डॉट। तो जे पी जो है इसकी वैल्यू हम यहाँ पे अगर पुट कर दें, ये वाली वैल्यू जो हमारे पास जे पी की वैल्यू ये वाली रो बाई बी स्क्वायर ई डॉट, तो व्हाट वी गेट, पुट इन द वैल्यू ऑफ जे पी इन इक्वेशन नंबर फोर, epsilon is equal to epsilon naught plus, here we put the value, rho by b square e dot over e dot, to e dot c dot cancel ho gaya, hamare paas aa gaya epsilon is equal to epsilon naught plus rho by b square. This is our equation number 5. Now take the ratio, dielectric ratio, usko dielectric constant bhi kehte hain, the ratio of
एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन नॉट, दिस इज डायरेक्टेड कॉन्स्टेंट एप्सिलॉन व्हेन देर इज अ मीडियम. दिस एप्सिलॉन नॉट इज अ डायरेक्टेड कॉन्स्टेंट व्हेन देर इज नो मीडियम मीन वैक्यूम एयर इज देयर. सो इन दोनों की रेशियो को हम बोलते हैं ई आर. ई आर डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, रेशियो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. सो वी रिप्लेस, वी पुट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन हेयर. दिस इज द वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 से हमें लिए, एप्सिलॉन नॉट प्लस रो बाई बी स्क्वायर ओवर ओवर एप्सिलॉन नॉट, जिसको बारी बारी डिवाइड कर दें, 1 प्लस रो बाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर. अच्छा, अब हम जानते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, दे मूव विद वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड विच इज गिवन बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रूट होता है. ये चीज टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ से अगर हम म्यू नॉट को इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा म्यू नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पे जो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, तो अगर इसको हम वैल्यू पुट कर दें म्यू नॉट सी स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे म्यू नॉट सी स्क्वायर, दिस इज एप्सिलॉन आर इज इक्वल 1 प्लस रॉ म्यू नॉट सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 6. दिस इज द लो फ्रीक्वेंसी प्लाज्मा डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फॉर ट्रांसवर्स मोशन ऑफ प्लाज्मा ओनली व्हेन प्लाज्मा पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द वेव्स. इन ट्रांसवर्स मोशन के लिए ये हमने लो फ्रीक्वेंसी प्लाज्मा के लिए हमने डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाल ली है, डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का फार्मूला निकाला है, फार्मूला ड्राइव किए, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस रॉ म्यू नॉट सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4. नो वी कंसिडर डिफरेंट केसेज ऑफ इट. इफ वी पुट डेंसिटी इज इक्वल टू 0, रॉ इज इक्वल टू 0, दिस इज अवर केस 1. इफ वी पुट रॉ इज इक्वल टू 0, एप्सिलॉन आर अप्रोचेस टू वैक्यूम वैल्यू, यू कैन सी एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 एंड दिस 1 वैल्यू इज फॉर फॉर वैक्यूम. ओके, Also, if we put b is equal to infinity, then epsilon r is equal to 0, epsilon r is equal to 1, vacuum value हमारे पास आ जाती है. या हम rho 0 put करें या b को infinity put करें. This is because the polarization density Vp then vanishes. जब हमारे पास जो है वो density 0 होगी, rho 0 होगी, तो उस वक्त हमारे पास polarization density नहीं होगी और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यू होगी वो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की वो 1 होगी. बट इफ वी पुट रॉ इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एन इज इक्वल टू 10^16 पर मीटर क्यूब एंड बी इज इक्वल टू 0.1 टेस्ला, देन सेकंड टर्म इन इक्वेशन नंबर 6 रॉ बाय बी स्क्वायर म्यू नॉट सी स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन बिकम्स ए म्यू नॉट रॉ सी स्क्वायर बी स्क्वायर 189, विच इज वेरी लार्ज वैल्यू कंपेयर्ड विद यूनिटी. जब रॉ जीरो पुट करेंगे ना, तो उस वक्त वैल्यू 1 आती है डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की. अगर रॉ की वैल्यू डेंसिटी की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करें, रॉ की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करें, देन हमारे पास डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू बहुत लार्ज आती है. कितनी? 189. इसका क्या मतलब है? दिस मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू द पार्टिकल्स इन प्लाज्मा ग्रेटली आल्टर द फील्ड्स अप्लाइड एक्सटर्नली. जो एक्सटर्नली तौर पे फील्ड हमने अप्लाई करते हैं ना पोलराइजेशन के लिए, उसकी निस्बत जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पार्टिकल इन साइड द प्लाज्मा होगी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी, बहुत ज़्यादा चेंज कर देगी. ग्रेटली चेंजेस द फील्ड ड्यू टू अप्लाइड एक्सटर्नली. अ प्लाज्मा विद लार्ज ई, अगर प्लाज्मा की जो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, जिस तरह हमारे पास हमने कहा 189 है, अगर
डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू लार्ज होगी, ये क्या करेगा, इट शील्ड्स आउट अल्टरनेटिंग फील्ड्स, इट शील्ड्स आउट अल्टरनेटिंग फील्ड, जस्ट एज अ प्लाज्मा विद स्मॉल डिवाई लेंथ, विद स्मॉल डिवाई लेंथ शील्ड्स आउट डीसी फील्ड्स। जिस तरह जो डिबाई लेंथ थी, हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा, डिबाई लेंथ जिस तरह डीसी फील्ड्स को शील्ड करती है, बिल्कुल उसी तरह लार्ज वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो अल्टरनेटिंग फील्ड्स को शील्ड करता है इनसाइड द प्लाज्मा। ये है इफेक्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। अल्लाह हाफिज़।